सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा एक दूसरे के हो गए। रविवार को उदयपुर के होटल लीला पैलेस में शादी की रस्में निभाई गई। दोनों की शादी की फोटोज भी सामने आ गई हैं। फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए परिणीति चोपड़ा ने लिखा, नाश्ते की मेज पर पहली बातचीत से ही हमारे दिल को पता चल गया। लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आखिरकार मिस्टर और मिसेस बनने का सौभाग्य मिल गया। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। शादी के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने बताया कि काम में बिजी होने के कारण प्रियंका शादी में नहीं आ पाई। वहीं जब गिफ्ट को लेकर सवाल किया गया तो मधु चोपड़ा बोली, नो लेना देना, सिर्फ आशीर्वाद दिया। इधर राघव की बारात का भी वीडियो सामने आया है। इसमें वह क्रीम कलर की शेरवानी पहने हुए है और साथ में काला चश्मा लगाया है। दोनों के वेडिंग आउटफिट मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किए हैं। वह खुद इसे लेकर रविवार को उदयपुर पहुंचे थे। दो दिनों तक चले शादी के कार्यक्रम के बाद अब आज से मेहमानों के लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। विदाई के बाद रविवार रात को द लीला में रिसेप्शन रखा गया। सोमवार सुबह 8 बजे की फ्लाइट से कई मेहमान मुंबई और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान सुबह 11:30 बजे डबोक एयरपोर्ट से विशेष विमान से रवाना हुए। हालांकि अभी राघव और परिणीति के जाने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों कपल दोपहर करीब 12 बजे बाद दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। कपल चार्टर प्लेन से जा सकते हैं। इन दो दिनों तक चले कार्यक्रम में पूरे होटल को सफेद फूलों से सजाया गया। वेलकम गेट से लेकर होटल को सफेद रंग के फूलों से सजाया, जिस विंटेज कार में दूल्हा राघव गया था उस पर भी सफेद फूल रंगे थे। जब बारात की एंट्री हुई तो राघव के लिए दूल्हे का सेहरा सॉन्ग प्ले किया गया। वहीं विदाई के दौरान जब तैनू लेके मैं जावंगा सॉन्ग प्ले किया गया तो राघव भी अपनी दुल्हन को देख ये गाना गाने लगे।